I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your... Hello दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसे वीडियोस बनाते हुए देखा होगा जिसमें वो मोबाइल फोन्स के रिव्यू करते होंगे और फोन जो है बिल्कुल स्टैंड अप खड़ा रहता होगा आपके सामने और ऐसा लगता होगा कि फोन किसी चीज से चिपका नहीं है, जस्ट खड़ा है। तो वो कैसे करते हैं? तो वो इस प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं। तो ये बेसिकली एक कार के लिए मोबाइल होल्डर है, बट वो लोग उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। मैंने इसे पेटीएम से लिया है, मैंने नहीं, एक्चुअली हर्षित ने लिया था, तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी है। और ये यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देखोगे आप तो बड़ा ही आपको देखने में अजीब लगेगा। यहाँ एक पहले तो एक प्लेट था और अब ये एक राउंड सा ग्लो टाइप का है और उसमें एक स्टैंड भी दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। नीचे में एक यूज़र मैनुअल है जो तो हम नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर। और देख लो, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आपको इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 250-300 के आसपास का मिलता है पेटीएम पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर एक जो है वो पूरा हेवी मेटल है और दूसरा जो है वो हेवी मैग्नेट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको चिपका के दिखाया। और भी मैं बहुत सारे आपको सैंपल्स इस वीडियो में इसके दिखाऊंगा। तो अभी तक तो है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, फ़ोन चिपकाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्योंकि ये फुल्ली मेड इन चाइना है तो क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है इसकी जितनी हमने सोचा था। सब कुछ सही है, बस इसके अंदर जो ग्लू यूज़ हुआ है, ग्लू की स्ट्रेंथ जो है वो बेकार है। बेकार मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है। तो यहाँ पे एक इस पे स्टिकर है, उसको हटा दो। अब यहाँ एक ग्लू है तो आपको ऐसे टेबल पे इसे माउंट कर देना है। तो यहाँ तक तो ठीक है, अगर इसका ग्लू अच्छा ना भी काम करे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत कहाँ से शुरू होगी? देखो, अब एक बार तो चलो ठीक है, मतलब हो गया, लेकिन अगर दो चार बार आपने इसे माउंट करके मतलब हटाया, बार बार ग्लू फिक्स करके हटाया बार बार, तो फिर ये बेकार हो जाएगा। और इसके साथ देखिए दो और स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो ये जो एक है, एक आपको चिपका देना है अपने मोबाइल पर ये खोल करके, और दूसरा वाला जो है उसे आप जब चिपकाएंगे फ़ोन से तब आप इसको इस तरह से स्टैंड के रूप में कनेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल में इसे होल्ड करना होगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ ग्लू की, वो इसकी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखा मैग्नेट कितना अच्छा है, बिल्कुल एकदम कड़ा। लेकिन अगर ग्लू अच्छा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई। खैर छोड़ो, देख लेते हैं। वैसे पता नहीं अब कोई खरीदेगा या नहीं, बट हर्षित ने इसे रिटर्न कर दिया है और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम पेटीएम वाला ये मॉडल तो ना लो। लेकिन खैर, मुझे रिव्यू करना था और बताना था कि कैसे माउंट करते हैं स्टैंड मोबाइल को इस तरह से, जैसे कि यूट्यूबर्स लोग वीडियो बनाने के लिए करते हैं। तो मैंने इसको ले लिया एक वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लग ही जाए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि मोबाइल पे इसे किस तरह माउंट करना है और कैसा वो दिखता है और सारी छोटी मोटी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी हैं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से माउंट हो जाता है और मोबाइल देखेंगे आप बिल्कुल स्टैंड अप खड़ा हुआ है और मोबाइल बिल्कुल नहीं गिर रहा है, लेकिन हल्का सा भी हिलता है तो मोबाइल आगे की ओर गिर जाता है। और यही इसके अंदर एक कमी मुझे नज़र आई। बाकी ये प्रोडक्ट कमाल का है और आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Face, I knew this love was true, but you already taken. Nothing I can do, so I can only